इसलिए इनकी जो लीला अद्भुत अद्भुत लीला आप लोगों ने श्रवण किया, क्या श्रवण किया, उन्होंने कैसे अम्बरीश महाराज के ऊपर बिगड़ गए, अम्बरीश महाराज के ऊपर बिगड़ गए, कहते साधु कभी बिगड़ते हैं, साधु किसको ऊपर कभी बिगड़ते हैं, इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं बले संत हृदय ना बनी तसमाना का मक्खन से ज्यादा कोमल है, मक्खन तो अग्नि की तेज से ही पिघलता है, सूरज का किरण से, लेकिन संतों का हृदय बोले परतापा द्रवई सावित्रीता, कि दूसरों को दुख दे करके संतों का हृदय द्रवीभूत होता है, इसलिए संतों का हृदय मक्खन से भी ज्यादा कोमल है, इसलिए फिर ये दुर्वासा जी बिगड़ गई, इसलिए श्री वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं जतो दिन चैतन्य हरि से सब चैतन्य लीला पुष्टि करे, जिन चिन्हों को हम देखते हैं भगवत लीला में ये शत्रु का काम कर रहे हैं, कभी ये शत्रु नहीं, ये सब के सब लीला पुष्टि करते हैं, इसलिए श्री दुर्वासा जी श्री अम्बरीश जी महाराज की जो महानता, वो कितने बड़े साधु है लेकिन गृहस्थ होने पर भी इनको पांच घर का भक्त बताए, महिमा को दुनिया में प्रकाश करना चाहते है, ये गृहस्थ होते हुए भी कैसे एकादशी इंद्रियों को तरह कैसे भगवत सेवा करते हैं और कैसे संपूर्ण भगवत शरणागत, आप लोगों ने कथा सुनी दुर्वासा जी ने जब इनको फिर कृपा लिखा की वो जैसे तैसे खड़े वो कहीं इंद्र उत्तर बोले अगर भगवान राखे हरि तो मारे थे और मारे हरि तो राखे थे, अगर भगवान इसको कोई रखा करते चाहते आपके साया मार सके ना कोई बाल ना बांका कर सके जो जब जब बैठ गए, इसलिए इसलिए अगर भगवान की शरणागत कोई हुआ तो जगत में कोई चुनिला नहीं सच्चा हो, इसलिए उन्होंने जहाँ पे कहा खड़े हुए अगर भगवान रक्षा करे तो दुनिया में कोई भी मार नहीं सकता है, अगर भगवान किसको मारने के लिए चाहे फिर दुनिया में को कोई भी रक्षा नहीं कर सकता है, इसलिए उन्होंने शरणागति शिक्षा दिया, जिसको छह तरह का शरणागति है उसमें एक है रक्षी सती की विश्वास, छह तरह का एक शरणागति भगवान हमें पूर्ण रूप में रक्षा करेंगे ये दृढ़ विश्वास होनी चाहिए, इनके अंदर में ये चीज देखने को मिलता है, फिर जब दुर्वासा जी पहले ब्रह्मा जी के पास में गए, फिर गए शंकर जी के पास में, लेकिन लास्ट में फिर वो जाते हैं कहाँ पर जाते हैं भगवान विष्णु के पास में जाते हैं, भगवान कहते हैं देखो अगर कांटा अगर प्यार से कर लिया ना वो कांटा सर पर नहीं निकलता है वो प्यार से ही निकलेगा, तुमने अपराध किया श्री अम्बरीश महाराज के पास में और मेरे पास में माफी मांगने के लिए आए हो, इसलिए उन्हें बताया बोले अहम भक्ति पराधीन ज स्वतंत्र ईव दीज साधु ग्रस्त हृदय भक्त भक्त जनप्रिय, भगवान कहते हैं अहम भक्त पराधीन मैं तो भक्तों का अधीन हूँ इसलिए मेरा कोई स्वतंत्रता नहीं है, इसलिए भक्त अगर बोले तुम बैठो ना मैं बैठता अगर भक्त बोले उठो तो मैं खड़ा होता, इसलिए बच्चे कुर्बंति माम भक्त्या सत पत्नी सत पति जता, जैसे एक पति प्रता नारी अपनी पति प्रता धर्म को द्वारा अपना पति को वशीभूत कर लेता है उसी तरह भक्त मुझे संपूर्ण वशीभूत भक्त लोग कर देते हैं, इसलिए मैं भक्तों को छोड़ कर कुछ नहीं जानता, भक्त मुझे छोड़ करके भक्त भी किसी को नहीं जानते मैं भी किसी को नहीं जानता, इसलिए कल भगवान कहते हैं साधव हृदय मुझम साधुना हृदय तुम मद अन्य लिंग जानती ना अहम देव मना, भगवान कहते हैं मैं रहता हूं कहां पर
साधु करी था कहाँ पर मैं रहता हूँ मैं तो एक जगह पर मैं रहता हूँ मतलब कहाँ पर मतलब भक्तों का हृदय रहता और कहीं मैं नहीं रहता हूँ देखो हम लोग रामायण सुने होंगे देखो जिस समय विभीषण और प्रभु रामदास करने में आए अभी भगवान राम ने रावण को मारे लेकिन पहले सुग्रास के लग रहा इतने में ही सुग्रीव ने कहा प्रभु आप अभी रावण को मारे भी नहीं उसको पहले आपको सुग्रीव को रास तिलक लगा दिए अगर रावण अगर आपका शरण में आ गए तो अगर 1% होता आएगा नहीं अगर रावण आपका शरण में आ गए तो फिर आप क्या करोगे फिर विभीषण को क्या करोगे उसको रास तिलक लगा दिया अगर रावण को क्या करोगे देखो भगवान क्या कहते हैं मतलब अगर रावण 1% आ गया ना मेरा जो अयोध्या है ये अयोध्या भाव में ले दूंगा रावण रावण को अयोध्या दे दोगे आप तो ऑलरेडी भरत को देख जाए कि आप इसको भरत को ही अयोध्या तो भरत को देख लिया है फिर भरत को क्या करोगे फिर भरत को मेरा जो दिव्य सांकेत धाम है मैं भरत को अपना सांकेत धाम दे दूंगा बोले क्या सांकेत धाम भरत को दे दो बोले हाँ फिर फिर आप कहा रहोगे फिर आप कहा रहोगे अगर सांकेत धाम अगर आप दे दिया भरत को फिर कहा रहोगे मेरे मेरे को कहीं रहने का ज्यादा जरूरत नहीं मैं तो भक्तों का हृदय दे रहा हूँ इसलिए मेरे कहीं राज्य की जरूरत नहीं इसलिए बोले कहाँ पर रहता हूँ मत भक्ता हाजर कर गायक भी कर प्रतिष्ठान नारद जहाँ पर मेरे भक्त कीर्तन करते हैं और भक्तों का हृदय भी मैं रहता हूँ तुलसी तो भक्त वत्सल भगवान की जय कुमार बस बस अरे बोलो जल्दी जल्दी तो बढ़िया से बढ़िया बनाता हूँ
मतलब मरिया ऐसे आनंद दिया था, ऐसे स्वादिष्ट ने है श्री मरिया जसमती राधा रानी को बुलाते हैं। क्यों? ये दुर्वासा जी ने इनको वरदान दिया है, ये अमृत हस्ता बनेगी, इनके हाथ का जो खाना जो खाएगा ना कभी शरीर में रोग नहीं आएगा, आखिरी घाल पड़ेगा, जस पड़ेगा। किसने वरदान दिया था? श्री दुर्वासा ऋषि ने राधारानी को वरदान दिया था, इसलिए राधारानी का हाथ का जो खाना इतने स्वादिष्ट और इतने मीठा है। मतलब इनकी कृपा से कभी मैया कुंती जब छोटी बच्ची थी कभी दुर्वासा इनके घर में भी आए और मैया कुंती ने दुर्वासा जी की बड़ी सेवा की। उसी समय में दुर्वासा जी ने माता कुंती को एक माला दिया। तो देखो ये माला जप करते हुए तुम जिसको स्मरण करोगे ना वो स्वयं प्रकट हो जाएगी। इसलिए ये माला भी प्रभाव से कौन कौन जन्म हुए कहते से युधिष्ठिर धर्म का अंश में और पवन कुमार अंश में श्री भीम से और इंद्र का अंश में श्री अर्जुन, कहते ये तीनों ने जन्म हुए। आपको पता है युधिष्ठिर महाराज कहते ये प्रेमा पर भक्त श्री युधिष्ठिर महाराज है और अर्जुन कृष्ण का सखा है, भीम कृष्ण का सखा है। इसलिए कहते हैं ना सबसे प्रेम सगाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई प्रेम की बसम अर्जुन रथ हाको भूल गए ठाकुराइयो भूल गए ठाकुराई सबसे ऊंची प्रेम सगाई। सब सोची क्या है? सब सोच क्या है? प्रेम। बोलो प्रेम सगाई, प्रेम का बंधन सबसे बड़ा बंधन है। इसलिए इनकी कृपा से ही ये पांडव लोग जन्म ग्रहण करते हैं और कृष्ण का पुण्य बड़े भक्त और प्रेम के वर्ष अर्जुन रथ हाको उन्होंने सारथ का काम उन्होंने किया है बसभूत होकर के और पांडवों को रास को जगह में तामे झूठा था उठाई प्रेम सबसे ऊंची प्रेम सगाई भगवान जी की वसूत होकर के झूठा पतल भगवान ने उठाए हैं। तो किसकी कृपा से ये इतने बड़े भक्त हो गए? कहते श्री दुर्वासा की कृपा से। इन्हें नहीं माला दी थी और इनकी प्रभाव से मानव लोग जन्म ग्रहण करते हैं। इसलिए इनकी अथाह बहुत सारी कथाएं थी। जब आप लोग फिर मंदिर में आओ ना वृंदावन मठ में आओगे तो ये सारी कथाओं को यहीं पर सारी कथाओं को आप लोग श्रवण करोगे। इसलिए दुर्वासा जी की अनंत कथा है, अनंत कथा है और हमारे